नमस्कार, मैं जितेंद्र शुक्ला स्वागत करता हूँ आपका पब्लिक व्यूज इंडिया में। चाय पर बहुत चर्चा की होगी आपने, मगर इस समय हम चिप्स पर, कोल्ड ड्रिंक पर और कोका कोला पर चर्चा कर रहे हैं। ये हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कुछ, जो इस समय कहा जाता है भारत की जो 50% आबादी है महिला शक्ति, ये हमारे साथ जुड़ी हुई है। और महिलाओं का क्या मूड है, क्या सोचती हैं, 2019 का चुनाव है, ये भी एक तबका है जो वोट देगा, और इनकी क्या सोच है, हम इन्हीं से जानेंगे। मैम आपका नाम? अनामिका। 2019 का चुनाव आ गया है, युवा नेता हैं राहुल गांधी आ चुके हैं मैदान में, प्रियंका गांधी भी एक चेहरा है, उनकी शक्ल मिलती है इंदिरा गांधी जी से, तो क्या सोच रही हैं, क्या कांग्रेस बाजी मार रहा है 2019? मेरे ख्याल से नहीं, मेरे ख्याल से बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि जितना काम बीजेपी ने किया मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस उतना कर पाई कभी, सो मेरे को तो लगता है कि बीजेपी ही जीतेगी इस बार भी। स्लोगन भी अब यूट्यूब अगर चलाते हैं तो यूट्यूब पे आजकल एक वीडियो चल रही है, अब होगा न्याय, तो इतने सालों से क्या हो रहा है? न्याय तो अब देखा जाए तो हुआ नहीं, तो अगर पहले नहीं हुआ तो मेरे को नहीं लगता है कि ये सब बस उनका टैक्टिक्स है इलेक्शन जीतने के लिए। मेरे को नहीं लगता है कि कांग्रेस इस बार भी कुछ कर पाएगी, इतने साल से नहीं। न्याय की बात, शुभना तान्या, अब न्याय की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा सत्ता भोगी पार्टी अब कह रही है अब होगा न्याय, ठीक है, एक गरीबी हटाओ का नारा भी इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, नेहरू जी सब देते हुए चले जाए, अब आया है राहुल गांधी ने 72,000 वाला भी मुद्दा लाया है, गरीब और अमीर बराबर, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और न्याय के बारे में क्या सोचते हैं, इतने सालों से क्या न्याय? इतने सालों से न्याय आई थिंक नहीं हो रहा, और फिर कोई भी गवर्नमेंट अभी तक कर नहीं पाई है न्याय इतने तरीके से, और राहुल गांधी से ज़्यादा डिजर्विंग तो है ही मोदी, उन्होंने ज़्यादा काम भी करा है, बट जो एक्चुअल चीज़ें हैं डेवलपमेंट के लिए वो उन चीज़ों पे काम नहीं हुआ, लाइक अभी भी जॉब्स की बहुत कमी है, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ गया है, और इस पर काम करने की ज़रूरत है। युवाओं को सवाल उठते हैं तो हम भी इस पर सवाल पूछते हैं कि सिर्फ 5 सालों में हुआ है, इससे पहले से ही सरकार ने काफी ध्यान नहीं दिया गवर्नमेंट ने। जॉब की परिभाषा बोली जाती है, अगर ये जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं ये जॉब को मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या आप भी सोचते हैं सिर्फ जॉब मतलब क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय? नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं, बट हाँ जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो हैं कंट्री की वो भी उनका भी इतना सपोर्ट नहीं हो रहा, अगर उनको भी सपोर्ट करा जाए तो जॉब्स और भी ज़्यादा निकल सकती हैं, आ सकती है। दिक्कत भरी है तो जॉब्स में मतलब मिलेगी तो फिर वो गरीबी भी कम नहीं होगी। कांग्रेस को वो कह रही हैं उनकी स्कीम एक्चुअली इकोनॉमिकली सही नहीं है, वो तो सिर्फ हाँ एक है बताते हैं लाइक लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। नौकरियाँ देखे तो राजकोषीय घाटे में वृद्धि हो रही है, जो गवर्नमेंट को एक तरीके से लॉस ही होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर किसी को बनाते हैं तो गवर्नमेंट एक तरीके से लॉस में ही जाती है, कोई प्रॉफिट में तो जाती नहीं, कौन से सरकारी कर्म में वो प्रॉफिट में जाती है, ये चीज़ें गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना कोई फायदेमंद बात तो है नहीं, ना इससे हमारी GDP ग्रोथ होगी ना भारत। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट किसी भी कंट्री के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज है, उन पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होना ही है, तो जॉब्स तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा एज अ गवर्नमेंट, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चाहे आप गवर्नमेंटल जॉब्स दें या फिर आप प्राइवेट जॉब्स दें, लेकिन उनको क्रिएट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमारे कंट्री में क्वालिफाइड लोग हैं, क्वालिफिकेशंस में कोई कमी नहीं, हम देख सकते हैं अच्छे खासे क्वालिफाइड लोग बहुत छोटी छोटी जॉब्स कर रहे हैं। सर्वे करता है IBM जो है एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, आपने नाम सुना होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, वो सर्वे करता है कुछ इंडियन बच्चों को बुलाता है, तो उसमें से जो 70% यूथ होते हैं वो केपेबल ही नहीं है, स्किल्स नहीं है इंडियंस के पास, सिर्फ डिग्रीज है, सिर्फ आप अगर फैक्ट्स पे बातें करेंगे तो इस समय सिर्फ डिग्रीज हैं, स्किल नहीं है किसी के पास, स्किल पर कोई काम नहीं करना चाहता, सब मैं BCom हूँ, आप BCom से नौकरी ले लो, BCom के अंदर आप नौकरी से क्या, तो गवर्नमेंट को भी जो एजुकेशन व्यवस्था जो पहले रही है क्या आप चाहते हो उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस की जाए, स्किल्स पर बहुत उस पर बहुत चेंजेस चाहिए, क्योंकि स्किल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल किसी भी फील्ड में स्किल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं होता है, उसे हैंडल करना भी आना चाहिए आई थिंक, तो स्किल्स और ये भी गवर्नमेंट का ही काम है कहीं ना कहीं। आप चाहते हैं उस समय 2019 की सरकार है, कांग्रेस अब कह रही है अब होगा न्याय, तो न्याय के साथ जा रहे हो या BJP को अन्याय वाली पार्टी जो? नहीं, हम तो कम्प्लीटली BJP के ही साथ हैं, क्योंकि न्याय वो तो किसी भी तरीके से पॉसिबल ही नहीं है जितना भी हमने देखा है,
तो ऐसे जुमलों में नहीं जाएंगे हम, प्रैक्टिकली देखना चाहिए। राहुल गांधी तो कहते हैं बीजेपी जुमलों वाली सरकार है, नहीं तो वो आलू से सोना बना रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है ना, तो हम उस पर नहीं जा सकते। 70,000 भी तो दे सोने वाले, चलो फॉर्मूला फ्लॉप हो गया, 72,000 क्या आपके अकॉर्डिंगली वो प्रैक्टिकल है? वो हमारे कई सारी चीज़ों से उसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, वो बियर कर पाएगी? इस चीज़ का कोई प्रूफ है? आप अश्योरिटी ले सकते हैं? नहीं। तो अभी चौकीदार चोर वाला हुआ था तो उन्होंने कहा था जोश जोश में मैं होश खो बैठा, तो उसमें भी बोल सकते हैं वो तो यार राजा रखवाने वाले ऑपोजिशन है कुछ भी। अभी तो ये टाइम चल रहा है इलेक्शन का, दोनों एक दूसरों के कुछ भी बोलेंगे, ये हमें तय करना है कि हमारे लिए क्या बेटर है, क्योंकि हम अपना नेक्स्ट 5 ईयर्स उनसे अपना डिसाइड करवा रहे हैं। जॉब में कमी आई है तो ये तो बीजेपी ने करा है ना, कांग्रेस तो इनडायरेक्टली ये कह रहे कि बीजेपी ने जॉब 5 साल, सिर्फ 5 साल जो पिछले इतने साल चल रहे हैं उसका क्या, उसमें क्या हो गया ऐसा? एटलीस्ट इन्होंने कुछ तो काम किया है हमारे अकॉर्डिंगली, बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब कहना है कि गवर्नमेंट को पहले जो गवर्नमेंट जो सत्ता में रही है उनको काम करना चाहिए था, वो काम नहीं कर पाए इसलिए इनको थोड़ी दिक्कतें आ। और मेरे हिसाब से ऐसा ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, आप कह सकते हैं एक ही पार्टी, हम उसके अलावा कहीं देख ही नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं है। राहुल गांधी नाकाम है ऑप्शन होने में। आप मैम, आपका शुभ नाम? लक्ष्मी से। लक्ष्मी जी क्या, लक्ष्मी पैसे वाले 72,000 आपका ये क्या फॉर्मूला? नहीं बिल्कुल नहीं। तो क्या लग रहा है लक्ष्मी जी लक्ष्मी के साथ जा रही हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा धनी पार्टी कांग्रेस है? नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, जो हमारे देश के लिए जो सही करेगा उसकी हम उसी को सपोर्ट करेंगे। और देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने 5 साल में बहुत सारे काम इनिशिएट किए हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, तो अनडाउटेडली हम तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, नॉट बीजेपी, नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, कुछ आपकी डिमांड जो आप चाहते हो कि गवर्नमेंट और इम्प्रूव करे, कुछ आप सोचते हो कि जैसे आप सत्ता में लाते रहो चलो बीजेपी को ला रहे हो, कुछ आपकी डिमांड हो कि लड़कियाँ क्या चाहते हैं कि इनमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, चीज़ें और सुधारनी चाहिए, ऐसे कुछ आप? वुमेन सेफ्टी में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, बिल्स ऐसे आने चाहिए कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये सारी चीज़ें काम करें अगर वुमेन के अगेंस्ट कोई भी क्राइम हो रहा है, क्योंकि ये केसेस कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा लंबे खिंच जाते हैं और काफ़ी टाइम हो जाता है, तो आई थिंक ये चेंज होना चाहिए और रेप्स वगैरह को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाना चाहिए। आई थिंक बिल्कुल फांसी ही होनी चाहिए, कोई अल्टरनेटिव होना ही नहीं चाहिए इसका। फांसी को गोली मारो सादा सी, पब्लिक में छोड़ दो, एंटायरली पब्लिक को सौंप दो। हाँ तो आप तो गवर्नमेंट दोनों ही सही है, गवर्नमेंट देखे सरकार का खर्चा बढ़ा। आप क्या चाहते हैं, कुछ जो आप चाहते हो कि अगर ये सत्ता में आए तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसे कम करें और विमेन के लिए जो बहुत सारे ये अनएम्प्लॉयमेंट वाला हम वीडियो ख़त्म कर देंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। ये हम एक चीज़ क्या है, 5 साल में ही पैदा हुई है उससे पहले की सरकारों ने? देखिए काम और एम्प्लॉयमेंट जो है एक बहुत पुरानी चीज़ है, ये हमेशा से इसको हमेशा से रहा है। कोई नया मुद्दा नहीं है ना, इस समय वो उठा लिया गया है, अरे बढ़ गई महंगाई। अच्छा महंगाई के बारे में क्या रहा है, मम्मी उम्मी किचन में जाते हो आप लोग? महंगाई तो बीजेपी के टाइम हमेशा महंगाई ही रही है, ये चीज़ कांग्रेस का बेटर था आई थिंक, उनके टाइम महंगाई। सिलेंडर भूल गए क्या 1200 रुपये का, कांग्रेस के टाइम में जस्ट 7 से 12 सिलेंडर आ रहे हैं। पर प्याज का क्या करना है, प्याज अब कितने का है? तो अभी कम है ना, बीच में तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे ना, तो महंगाई तो सारे गवर्नमेंट में थी, बट आई उसके बाद नहीं बढ़ा, बट बीच में बहुत बढ़ गए थे। इनफैक्ट पल्सेस भी बहुत महंगे, अब कितने पता नहीं, बट बहुत महंगे थे बीच में तो। थोड़ा मंडी में जाया करो।